सावनेर पांडुर ना तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क। आइए खबर जानते हैं विस्तार से। सावनेर पांडुरना रोड पर स्थित हेटी शिवार में नर तेंदुआ मृत अवस्था में दिखाई पड़ने पर हड़कंप मच गया तथा मृत तेंदुए को देखने हेतु भीड़ उमड़ने लगी। आज यानी 4 मार्च सुबह 11 बजे के करीब सावनेर पांडुरना रोड स्थित हेटी शिवार में एक नर तेंदुआ मृत अवस्था में होने की खबर सावनेर के थानेदार मारुति मुरुग तथा हित ज्योति फाउंडेशन के हितेश दादा मंसोड़ को लगते ही वन परिक्षेत्र खापा तथा कलमेश्वर उक्त घटना की जानकारी देकर घटना स्थल पहुंची तथा उक्त वन परिक्षेत्र कलमेश्वर वन विभाग के अंतर्गत आने से कलमेश्वर वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रीमती नौकरकर भी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल पर पंचनामा कर मृत तेंदुए का शव विच्छेदन हेतु पशु चिकित्सालय सामने रवाना कर आगे की जांच कर रही है। नाथभोगी कलमेश्वर वन परिक्षेत्र के नीलगांव बोरगांव तेलगांव हेटी सहित केलवत वन परिक्षेत्र के रायबासा भेड़गांव जटामखोरा खापा वन परिक्षेत्र के गोदेगांव बड़ेगांव आदि क्षेत्रों में पिछले करीब एक वर्ष से तेंदुए की उपस्थिति की शिकायतें प्रत्यक्षदर्शी किसान भाइयों ने कर उक्त तेंदुए को पकड़कर घने जंगल में छोड़ने की मांग नियमित से की थी, लेकिन उस दौर तीनों ही वन परिक्षेत्र के जवाबदार अधिकारी कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं जाने का आरोप इस अवसर पर किसान भाइयों ने वन अधिकारियों पर लगाया। वही आज 4 मार्च 2024 को उजागर हुई घटना में उक्त तेंदुए की मौत कैसे हुई, यह तो शव विच्छेदन के बाद ही पता चलेगा कि उसकी मौत को किसी शिकारी ने अंजाम दिया है, खेतों में आग लगे बाढ़ को करंट लगने से हुई या किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हुई। फिलहाल मृत तेंदुए की शव विच्छेदन रिपोर्ट आने पर ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कलमेश्वर वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रीमती नौकरकर जी ने कही। मृत तेंदुए का शव हित ज्योति फाउंडेशन के हितेश दादा बंसोड़, अभिषेक भगत, अभिषेक सातपुते, राम फेटी के पुलिस पाटिल गरवार आदि की सहायता से पशु चिकित्सालय सावनेर रवाना करने में सहयोग दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर वर्धा से सामने आ रही है। अनाज वर्ष के अवसर पर आयोजित बाजरा दौड़ में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित वर्ष 2023 को प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज कृषि विभाग की ओर से बाजरा दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। सुबह 7 बजे जिला कृषि अधीक्षक बाजरा दौड़ ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। इसमें 16 से 18 साल के लड़के और 18 से ऊपर के पुरुष के बीच प्रतियोगिता हुई। 131 बच्चों में से 70 बच्चे 18 वर्ष और उससे अधिक, 35 बच्चे 16 से 18 वर्ष और 26 बच्चे 8 से 16 वर्ष के थे। विद्या मानकर ने कहा, इस अवसर पर सांसद रामदास तड़ास ने प्रतिभागियों को नगद व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया तथा बड़ी संख्या में छात्र, कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। आज आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्षानिमित्त मिलेट दौड़ आयोजन केलं होतं आणि यामध्ये 8 वर्षापासून तर जवळपास 40-45 वर्षापर्यंतचे नागरिक, लहान मुलं, युवक, युवती सहभागी झाले होते। 131 मुलांपैकी जवळपास 70 मुलं ही 18 वर्ष आणि त्याच्यावरील वयोगटातील होती, 35 मुलं ही 16 ते 18 वर्ष वयोगटातील होती आणि 26 मुलं ही 8 ते 16 वर्ष वयोगटातील होती। यामध्ये या मिलेट दौडचा आमचा मुख्य उद्देश हा होता की आपण जी तृणधान्य विसरत चाललो आहे, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, रागी आहे, यामध्ये भगर आहे, भगर आपण फक्त जसं उपवासाच्याच दिवशी खात असतो, तर या तृणधान्याचा पुन्हा आपल्या आहारामध्ये समावेश झाला पाहिजे। याचे दोन उद्देश आणखी आहेत की फक्त तृणधान्य आपल्या आहारात समावेश होणं हा एकच नसून शेतकऱ्यांनी या तृणधान्याची पुन्हा लागवड सुरू करणे आवश्यक आहे, कारण ही तृणधान्यच अशी आहेत की जी प्रतिकूल वातावरणातही, प्रतिकूल पावसाच्या हवामानाच्या बदलत्या वातावरणातही ही तग धरून राहतात, कमी पावसातही येतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही काही ना काही उत्पादन आणि काही ना काही उत्पन्न देऊन जातात। आज आपल्या वर्धा जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कापसाची लागवड होत आहे। राष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 चा आज आयोजन या ठिकाणी कृषी विभागातर्फे करण्यात आलं आणि याची खरी तर सुरुवात पार्लमेंटपासून झाली।
या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी पार्लमेंटमध्ये जे आमचे सभागृह हे राहते कॅन्टीन राहते त्यामध्ये ज्वारीची भाकरी त्यानंतर कडधान्य नाचणी अनेक वस्तू त्या ठिकाणी ज्या जुन्या काळात आपण खात होतो त्या सुद्धा आणि हे आरोग्यासाठी पौष्टिक राहते। प्रकृति एक कलाकार है, देखा जा सकता है कि इनके ऋतु चक्र में कोई किमिया छुपी है। अब पतझड़ खत्म हो गया है और वसंत ऋतु शुरू हो गई है, तो वृक्ष भी अपने पुराने पत्ते और उसी नई पल्ली से ओढ़ने लगे हैं। कुछ पेड़ों में इस मौसम में फूल भी लगते हैं। उसी समय हम पेड़ को नारंगी लाल रंग से मुक्त रूप से देख सकते हैं। वर्तमान में वन में पलास और काटसावरी के फूल आकर्षण रहे हैं। कुछ पेड़ों में इस वसंत ऋतु में हरे पत्ते आने लगते हैं और वे सुंदर भी लगते हैं। शहर में प्रवेश करते समय उखली घाट मालवाड़ा भारतीया रेणुका देवी किले पर नारंगी और पीले फूलों से खिले हुए फलों को देखा जा सकता है, लेकिन ये फूल सबके हैं। जब रंग पंचमी आते हैं तो पुरानी पीढ़ी पलास फूल को याद किए बिना नहीं रह पाती। इन फूलों का रंग पहले बनाकर रंग पंचमी की गई जाती है। सर्दियां समाप्त होने पर जंगल में पत्ते गिरने लगते हैं, सूरज की तपिश बढ़ जाती है। ये जंगली फूल फिर जंगली पक्षियों में अपने प्यास बुझाने के लिए अपना तरल पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। इसलिए तपती धूप में इन फूलों से खिले पेड़ पर मोम के पंख, तोता, बुलबुल और मधुमक्खी जैसे कई पक्षी देखे जा सकते हैं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS News Network। नमस्कार।